वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा इफेक्टिव और बहुत ही यानी कि बस पूछो मत एक इतना अच्छा फेशियल, एक इतना अच्छा फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है बेसक पर, लेकिन अब भी आप पार्लर में जाओगे तो रिस्की है पार्लर में जाना। तो पार्लर में ना जाके घर पर ही फेशियल कर लो। और यानी कि इतने सारे स्टेप होते हैं ना फेशियल में, इस फेशियल में एकदम बस एक स्टेप है, आपको सिर्फ बनाना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, इतना सा होगा सिर्फ। तो बस इस वीडियो को देखते रहिए, मैं से कैसे बनाती हूँ फेस पैक को। आपको एक घर की ही कुछ चीज़ों से, यानी कि किचन में जाओगे तो सारी चीज़ें आपको किचन में मिल जाएंगी। तो किचन में जाइए और जाके जो जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ना, वो सारी चीज़ें मिक्स कीजिए एक बाउल में और उसे अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद फेस वॉश कीजिए और फिर बताना मुझे कि आपको ये मेरा फेशियल या फेस पैक भी तो ये आपको कैसा लगा। तो चलो पहले वीडियो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है क्लीन बाउल और उसके अंदर हम लेंगे यहाँ आटा, गेहूं का आटा जो हम रोटियां जिसकी बनाते हैं वो आटा, में 1 स्पून वो आटा ले लेना है और 1 स्पून कॉफ़ी लेनी नहीं, कोई भी कॉफ़ी आप ले सकते हो। यहाँ मैं 1 रुपये वाला पाउच ले रही हूँ, मैं पूरा जो पाउच है वो ऐड कर दूँगी इस आटे के अंदर यानी कि इस बाउल में। और उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम जो हमारा यानी कि थर्ड वो स्टेप होगा, वो होगा हमारा हनी, जो कि हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज डीपली क्लीन यानी कि यही सब करने में हेल्प करता है। तो 1/2 टीस्पून मैंने हनी लिया था और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है रो मिल्क। और अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आपके फ्रिज में जो ठंडा दूध रखा हुआ है आप वो भी ले सकते हो और उसे 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगी ये जो हमारा पैक है। और ध्यान रखना है आपको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इस फॉर्म में नहीं आ जाता, क्योंकि जो हमारा नेचुरल स्क्रब है हमारी जो कॉफ़ी है उसमें थोड़े से पार्टिकल्स ऐसे होते हैं क्योंकि लम्स की तरह होते हैं, तो उन्हें अच्छे से मिक्स होने में टाइम लगता है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले इस तरीके से। फेस पैक तो हमारा बन चुका है, अब कर लेना अपना फेस क्लीन अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना और ये रहा हमारा फेस। अब बारी आती है हमारे पैक लगाने की अपने फेस पे। तो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरीके से क्लीन फेस पर अपनी फिंगर की हेल्प से इस पैक को लगा लूँगी और इस तरीके से आपको लगाना है। आईज़ के आसपास भी आप इसको लगा सकते हो क्योंकि नेचुरल है, आपकी आईज़ में भी कोई हार्म नहीं होगा इस पैक से। और उसके बाद आप ये मत सोचना कि वीडियो यहीं छोड़ देनी है कि पैक लगा लिया 15-20 मिनट बाद हम अपना फेस वॉश कर लेंगे और बस हो गया। आगे के स्टेप तो भी फॉलो करने हैं आपको। इसको इस तरीके से अपने फेस पे लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और इसके अंदर जो हमने कॉफ़ी ऐड की है वो है हमारा नेचुरल स्क्रब। तो उसके बाद हमें अपने फेस को मसाज करनी है, स्क्रबिंग करनी है। तो पहले इस तरीके से इसको नेक एरिया बिल्कुल भी ना भूलें, याद रखें मैं हर वीडियो में बोलती हूँ नेक एरिया बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, तो इसको लगा लेना है। इसके बाद 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुकी हैं तो अपने फेस को इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करूँगी अपने फेस पर। और जो आटा है वो हमारे अनचाहे बालों को रिमूव करेगा हमारे फेस से और जो कॉफ़ी है वो हमारे फेस पे यानी कि स्क्रबिंग का काम करेगी। और जो हमारा हनी है, हनी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि नेचुरली मॉइस्चराइज हमारे फेस को करता है, डीपली क्लीन करता है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और दूध के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि मिल्क हमारे फेस को कितना यानी कि अच्छे से ब्राइटनिंग करने में, लाइटनिंग करने में, शाइन देने में बहुत ही अच्छी हमारी हेल्प करता है। तो ये इन चारों पांचों चीज़ों को मिक्स करके इस तरीके से जब अपने फेस पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छा स्क्रब आपका एक फेशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करनी है। जब तक आप अच्छे से मसाज नहीं करोगे ना आपके फेस पे तो अच्छे से रौनक आएगी ही नहीं। ये नहीं कि अपने फेस पैक को ही लगा लिया है और बस हमारे फेस पे तो फेशियल वाला ग्लो आया ही नहीं, ऐसे ही नहीं आता है। आपको अच्छे से जो आपके मेन पॉइंट होते हैं उनको टैप करना होता है और मसाज करनी होती है अपनी फेस पे इस तरीके से अच्छे से। और फिर अपने फेस को आपको 5 मिनट तक मसाज करनी इस तरीके से, फिर अपने फेस को आपको वॉश कर लेना है। तो मैं अपना फेस वॉश करने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। मैंने फेस वॉश कर लिया है अपना और अभी आप देखना लाइव रिज़ल्ट देख सकते हो आप। मैं बराबर में ना फ़ोटो लगा दूंगी जो मेरी फेशियल से पहले की थी और अब की मेरी फेस को देख सकते हो लाइव रिज़ल्ट है, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है एक ही बार यानी कि फेशियल करने में। तो यहाँ मेरे बालों में माइंड मत करना, थोड़ा सा प्रोडक्ट यानी कि जो पैक था वो अटक गया था तो मैं इस तरीके से उसको निकाल दिया है और आप देखना कितना अच्छा शाइन, कितना अच्छा ग्लो और कितना अच्छा इफेक्ट आ गया है मेरे फेस पे। तो आप भी कीजिए और एक्सपीरियंस मेरे साथ।
मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है ना, मैंने आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाया, और समझ लीजिए लाइव रिजल्ट मैंने आपको दिखाया जब ये अभी इतना अच्छा लग रहा है, एक बस एक बार ही इसको यानी कि अपने फेस पे लगाने के बाद जब ऐसा रिजल्ट मिला, अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करोगे यानी कि रेगुलरली आप इसको लगाओगे, फेशियल को करोगे, तो इसका रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलने वाला है। बस हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि जब भी आप इस फेशियल को करो तो 24 घंटे तक अपने फेस पे कोई भी केमिकल वाली चीज़ें ना लगाएं। तो बस इतना सा ही एक इसका शर्त है इस फेशियल को करने की। वैसे ये हर स्किन टाइप वालों के लिए, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, एक्ने स्किन, कोई भी स्किन है अगर आपकी, कुछ भी, हर स्किन टाइप वाले से यूज़ कर सकते हैं, ये एक ऐसा फेशियल है। तो वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला जब भी अप्लाई करो। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना, ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।